जब बॉलीवुड में बोल सीन थे, लेकिन धीरे धीरे बॉलीवुड तरीके बदल गए हैं। कई एक्ट्रेस ऐसे हैं जिन्होंने कभी ऑन स्क्रीन किस ना करने का नियम बना रखा है। आइए जानते हैं उन एक्टर और एक्ट्रेसेस के बारे में। इनमें सलमान खान सबसे आगे हैं। अपने करीबन 30 साल के एक्टिंग करियर में सलमान खान ने आज तक ऑन स्क्रीन कभी किस नहीं किया। ऐसे कई मौके आए जब उनको ऐसा करने को कहा गया, लेकिन उन्होंने कभी अपनी नो किसिंग पॉलिसी को नहीं तोड़ा। अब सलमान खान से इसके बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि वो ऐसे ही सीन करना चाहते हैं जिसे वो अपनी आम जिंदगी में सबके सामने कर सके। बंद दरवाजे की चीजों को वो पर्दे पर भी नहीं दिखाना चाहते। वहीं अब आता है नाम सोनाक्षी सिन्हा का। सोनाक्षी सिन्हा भी उन्हीं में से एक है जिन्होंने पर्दे पर किसी को किस ना करने की पॉलिसी साइन कर रखी है, और आज तक अपने बॉलीवुड में इतने साल देने के बावजूद उन्होंने कभी भी किसी को किस नहीं किया। वही बात करते हैं असीन की। असीन भी एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने कभी ऑन स्क्रीन किस नहीं किया है, वो भी इसलिए क्योंकि उनको ये करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। आपको बता दें कि आज तक असीन ने कभी भी ऑन स्क्रीन किस नहीं किया, और उनके लिए इनको काफी शाबाशी भी मिलती है। उन्होंने जितनी भी फिल्में की उसमें रोमांटिक रोल तो प्ले किए, लेकिन हमेशा दूरी बनाकर। ना तो उन्होंने कभी वल्गर सीन्स दिए और ना ही किसिंग सीन्स दिए। वहीं बात करते हैं तुषार कपूर की। तुषार कपूर ने भी कई ऐसे फिल्में की हैं जिनमें कई एडल्ट सीन भी रहे, लेकिन उन्होंने कभी ऑन स्क्रीन किस नहीं किया। वो एडल्ट सीन सिर्फ दिखाए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आपको बता दें कि तुषार कपूर ने भी कसम खा रखी है कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। यानी कि उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि वो कभी भी ऑन स्क्रीन किस नहीं करेंगे। वो बॉल सीन देंगे, लेकिन वो बॉल सीन सिर्फ दिखाने के होते हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं करते। लेकिन आपको बता दें कि कई ऐसे एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपनी ये नो किसिंग पॉलिसी तोड़ दी है, जिनमें नाम आता है विद्या बालन का, रेखा का। ये ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने कसम खाई थी कि जो ना तो इंटीमेट सीन्स देंगी और ना ही किस करेंगी, लेकिन जब इनका करियर डूबा तो ये भी किस करने में मजबूर हो गई, और इन्होंने अपने करियर को उठाने के लिए किसिंग सीन से लेकर इंटीमेट सीन्स तक दिए हैं। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़, और मैं हूँ आपके साथ साधिका कौर। धन्यवाद।